कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम एक बढ़िया सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटा और सभी को पसंद आने वाला नाश्ता है, जिसे हम आलू बड़ा या फिर बटाटा बड़ा भी कहते हैं। इस नाश्ते को हम इमली की चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करके आलू बड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे ज़रूर दबाएं और उसके बगल वाली घंटी को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। तो चलिए अब हम आलू बड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी सारी सामग्री रखी है आलू बड़ा बनाने की। इसमें से ये 1 kg आलू हमने बॉईल करके रखे हैं और ये 200 ग्राम बेसन लिया है बारीक वाला और ये हरी मिर्च काट के रखी हुई है, ये धनिया हरा काट के रखा हुआ है, ये 4 टमाटर हैं हमारे कटे हुए, ये 4 प्याज हैं कटी हुई। अब ये आलूओं को हम बारीक बारीक फोड़ लेंगे। अब हम इस बेसन को तैयार करेंगे। इस बेसन में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे, सूखा ही मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसमें नमक मिक्स हो जाए, नमक मिर्च दोनों मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसमें धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे जिससे इसमें गिल्टी ना पड़े और चम्मच से इसी तरह से मिलाते जाएंगे, इस तरह से इसको घोलते जाएंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे, धीरे धीरे घोलेंगे, इसमें गिल्टी नहीं पड़ेंगी एक भी और इसका बैटर बन के तैयार हो जाएगा। अब हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम आलू में मटेरियल डाल के आलू का पेस्ट तैयार करेंगे। अब हमारे ये मैश किए हुए आलू रखे हैं, इनको अब हम पेस्ट बनाएंगे मसाला डाल के। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे या फिर स्वादानुसार नमक डालते हैं। इसमें हम फिर प्याज डालेंगे, कटी हुई रखी है जो, टमाटर डाल देंगे जो कटे हुए रखे हैं, और ये मिर्ची कटी हुई, हरी मिर्च रखी है कटी हुई, ये डालेंगे, अदरक डालेंगे, यानी सारा मटेरियल जो कटा हुआ हमारा रखा है वो तो सारा ही इसमें डाल के, धनिया डाल के, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको आलू को और ये सारे मटेरियल को मिक्स कर लेंगे चम्मच से, जिससे इसका मसाला, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची सारा कुछ मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये मिक्स पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके हम गोले बना लेंगे, छोटे छोटे गोले बनाएंगे इस तरह से, जैसे अब हम दिखा रहे हैं, बना के आपको इस तरह से गोले बनाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से गोले बना बना के प्लेट में रख लेंगे पहले से ही। अब हम कढ़ाई को लेकर गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। हम ये सरसों का ऑयल डाल रहे हैं इसमें, आप चाहें तो कोई और भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को डाल के इसमें कढ़ाई में और गैस चला देते हैं, फिर इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे।
अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसमें बेसन डाल के मैंने देख लिया है, बेसन ऊपर आने लगा है तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हमें ये लड्डू जो बनाए रखे हुए थे उनको हम ऐसे बेसन में इस तरह से लपेटेंगे चम्मच से, और लपेट के इसको इस तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे, एक एक करके इस तरह से लपेटना है मुझे। इतना गाढ़ा बेसन रखना है जो कि उसमें अच्छे से लिपट जाए, और इस तरह से हमें कढ़ाई में छोड़ते जाना है। कम से कम 4 लड्डुओं को एक बार में डाल देंगे जिससे पलटने में आसानी रहेगी। ये देखो इस तरह से पलट, थोड़ी देर बाद इसको लो फ्लेम पे करके गैस को, और इसको इस तरह से पलटते रहेंगे। ये देखो पक गए हैं एक तरफ से और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा ही हम ये सभी लड्डुओं के साथ करेंगे, इसी तरह क्रम से डालते रहेंगे 4-4 लड्डुओं को लपेट लपेट के, और पकने के बाद उनको निकाल लेंगे। अब ये आलू बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमने कढ़ाई से बाहर प्लेट में निकाल लिया है। देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। ये हमने प्लेट में सारे ही निकाल लिए। अब हमारे ये आलू बड़े बनके तैयार हो चुके हैं, इन्हें आप बटाटा बड़े भी कह सकते हैं, और इन्हें हम इमली की चटनी के साथ खाएँगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और अब ये देखो हम खाने भी जा रहे हैं, खा के भी दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से इसको फोड़ेंगे तो ये पेस्ट इसका इस तरह से दिखेगा, और इसको इमली की चटनी के साथ डुबाएंगे, फिर हम इसको खा जाएंगे। आप चाहें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अपने बच्चों को बना के खिलाएं, और अपने सुझाव अथवा विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।